निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राव अवतार सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा, सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हकों व अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया है आयोग का गठन। गोरखपुर जिले के निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड को किया गया है चेक, नहीं पाया गया कोई कमी। जनप्रतिनिधियों की जानी गई है समस्या, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जाफरा बाजार में रियाज कुरैसी नाम के व्यक्ति को दबंगों ने मारी गोली, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, चल रहा है इलाज। एसपी सिटी ने कहा, अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तहरीर, तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। ₹1 लाख से ज्यादा के बिजली के बकायेदारों के विरुद्ध आरसी हुआ जारी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के साथ अभियान चलाकर बकायेदारों के पतों पर पहुंचकर तत्काल बिजली का बिल जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर काटी जाएगी कार्यालय व घर की बिजली। भू राजस्व अधिनियम के तहत करेंगे वसूली। 31 मार्च तक 50 करोड़ बकाया बिल जमा करने का बनाया गया है लक्ष्य। नगर निगम एवं नगर पंचायत में प्रावधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की बैठक उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सकुशल हुआ सम्पन्न। नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सभासदों से जाना उनका पक्ष, समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को दिया निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा नौकायन से पैडलेगंज तिराहा तक मानव श्रृंखला का निर्माण व सड़क सुरक्षा शपथ के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 15,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों और नागरिकों ने एक साथ लिया सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने का शपथ। चौबीस से 26 जनवरी तक गोरखपुर में उत्तर प्रदेश दिवस का किया जा रहा है आयोजन। विकास भवन में विभिन्न विभागों का लगाया जाएगा स्टॉल। महाविद्यालय में भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। वाणिज्य कर विभाग के टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। नव निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री सहित अन्य सभी पदाधिकारियों को दिलाया पद व गोपनीयता की शपथ, वितरित किया प्रमाण पत्र। कहा, सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई को लड़ते हुए उनकी समस्याओं का कराएंगे समाधान।